हेलो एवरीवन, आई एम अनीसा अमीन, करेंटली परसुइंग MBBS एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज MU अलीगढ़। तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि जब वो लेक्चर सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि अगर नोट्स लेने जाएंगे तो लेक्चर पे ध्यान नहीं रहता है, और अगर नोट्स नहीं लेंगे तो बाद में उन्हें फिर प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें, वो नोट्स ले या नहीं ले, या फिर नोट्स ले तो किस तरह से ले। तो इस टॉपिक पे बेसिकली हम बात करेंगे कि आप इफेक्टिवली नोट्स कैसे ले सकते हो और क्लास पे भी कैसे ध्यान दे सकते हो। देखो, जो आपके टीचर के नोट्स होते हैं ना, जो लेक्चर के टाइम आप लेते हो, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है आपका प्रिपरेशन का। जो बुक में इतनी लंबे लंबे पेजेस में दिया रहता है और लैंग्वेज भी थोड़ा डिफिकल्ट रहती है, वो टीचर एकदम कॉम्पैक्ट वे में, एकदम सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और फिर वो उनका एक्सपीरियंस रहता है इतने सारे बुक्स का और टीचिंग का, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो नोट्स लेना तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि नोट्स नहीं लेंगे, बुक से पढ़ के हो जाएगा। तो नोट्स आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और एक चीज़ आप समझ लो कि आप जो नोट बना रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए बना रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए या फिर किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। और आप प्रेफर करो कि आप खुद के नोट्स ही पढ़ो, क्योंकि देखो आपके आपका लिखने का तरीका और किसी और के लिखने का तरीका पूरा अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको नोट्स में बहुत कुछ वो उस बंदे जिस बंदे का नोट्स है उसको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ ढंग से समझ नहीं आ सकता है। और अगर आप लोग अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो तो उस वक्त क्लास में टीचर ने क्या कहा था, वो क्या चीज़ नोट्स में लिखा, तो वो चीज़ डिफर करेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि खुद के नोट्स अच्छे से बनाओ और उससे ही पढ़ो अच्छे से। अब नोट्स बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो कि सबसे पहली बात कि आप जो तीन चार पेन से नहीं बनाना, तीन चार पेन लेके नोट्स नहीं बनाना, नोट्स को सजाने में और फिर अलग अलग कलर के पेन से अगर आप सजाने में रह जाओगे ना, तो आपका ध्यान वो नोट्स को अच्छे से ब्यूटीफाई करने में रह जाएगा और लेक्चर पे कम ध्यान रहेगा, टॉपिक पे कम ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। स्टार्टिंग में 11 की स्टार्टिंग में मैं तीन चार कलर के पेन लेके बैठती थी नोट्स बनाने, जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो नोट्स तो अच्छे बनते थे लेकिन जो टॉपिक था वो उतना अच्छा समझ में नहीं आता था, एग्जाम में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। लेकिन जब थोड़ा सा मैं आगे 11 के लास्ट लास्ट तक मैं बस एक पेन लेके बैठती थी और नोट्स बस किसी तरह, जो टीचर जो बता रहे हैं, जब क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था और नोट्स जो टीचर बता रहे हैं वो कॉपी में किसी तरह बस नोट डाउन हो जा रहा था, तो उस वक्त टॉपिक पे ज़्यादा अच्छा ध्यान रहता था, कम टाइम भी लगता था क्योंकि क्लास पे ज़्यादा ध्यान रहता था, तो समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था जब सेल्फ स्टडी करो तो, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती थी और मार्क्स भी मेरे अच्छे आते थे। तो आप कोशिश करो एक पेन लेके बैठने की, मैक्सिमम दो कलर के पेन लेके बैठने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कलरफुल पेन लेके नोट्स को ब्यूटीफाई करने के में मत रखना, ठीक है। नोट्स जो है आप बस लेजिबल होना चाहिए, ठीक है, रीड करने लायक होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और उस पर कैलीग्राफी नहीं करने बैठनी है आपको, क्योंकि आपको बेसिकली नॉलेज जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो उसको आपको नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको उसको प्रेजेंट नहीं करना है, कि उसको आप खुद के लिए बना रहे हो कि बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो, ठीक है। जैसे मैं जैसे मतलब एक दो एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे प्रेजेंट को मैं ऐसे लिखती थी और प्रेजेंट को ऐसे, एब्सेंट को ऐसे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स हो सके, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में हो सके आप लिखो, और पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ पैराग्राफ मत लिखो, क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे आपको खुद पढ़ने में भी टाइम लगेगा, मन भी नहीं करेगा उतना पढ़ने का, और थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा। सच जितना ज़्यादा पॉइंट्स में हो सके, कॉम्पैक्ट हो सके, छोटा 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 करके लिखने की कोशिश करो, ताकि लिखने में भी टाइम कम लगे, आप लेक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे सको और आपको नोट्स भी सब कुछ आपके पास आ जाए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो टीचर जैसे लेक्चर पढ़ाते वक्त बोल रहे ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ये प्रीवियस ईयर में इस तरह से आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्लीज़ मार्क करो आप अपने नोट में, स्पेशली जैसे स्टार मार्क करके, हैशटैग देके या फिर एक बॉक्स बना के इस तरह से आप मार्क करके रखो। क्योंकि मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जो चीज़ हाईलाइटेड रहती है ना हमारे दिमाग में, वो चीज़ बैठ गई कि जो हाईलाइटेड रहती है हम उसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एटलीस्ट जब वो चीज़ हाईलाइटेड आप नोट्स में जब पढ़ने बैठोगे ना, तो वो हाईलाइटेड चीज़ें जैसे आप स्टार मार्क्स या फिर हैश मैग या फिर बॉक्स में रहेगी वो चीज़ें, तो वो आप उन्हें अफोर्ड नहीं करोगे मिस करना, वो आप ध्यान दोगे उसे ढंग से, अच्छे से पढ़ोगे वो। तो सबसे पहले जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, क्लास सुनने में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, समझने में ज़्यादा ध्यान दो। हर कुछ अगर नोट डाउन करने बैठोगे आप, तो आप वो चीज़ मतलब भले लिख लोगे लेकिन जो समझाने टाइम अगर समझोगे नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि लेक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, जब आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हो क्लास में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन, सुनते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान सुनना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कोशिश करो, वहीं सब कुछ समझने की कोशिश करो, ठीक है। और बस शॉर्ट फॉर्म में किसी तरह सब कुछ जल्दी जल्दी मतलब समझने में ज़्यादा ध्यान दो और सब शॉर्ट में नोट डाउन करते जाओ जो टीचर जैसे नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे क्लास खत्म हो ना, जैसे एक क्लास खत्म हो, नेक्स्ट क्लास अगर जस्ट उसके बाद है और नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले
आप जस्ट एक मिनट जल्दी से अपना नोट्स का रिव्यू लो, ठीक है, जल्दी जल्दी एक मतलब आपको लगा कि ये पॉइंट मिस हो चुका है, मान लो नोट्स लेते वक्त आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया या फिर आप क्लास में समझ रहे हो, तो आप वहाँ पर ना स्पेस छोड़ दो, लेकिन समझने में पहले ध्यान दो, समझने में पहले ध्यान दो, स्पेस छोड़ दो, जैसे टीचर गए ना आपको तुरंत तो याद तो होगा कि टीचर ने क्या समझाया और वहाँ पर क्या मिस कर गए, तुरंत जस्ट एक मिनट पेजेस फ्लिप करो, जहाँ लग रहा है आपका कुछ भूल गए वहाँ तुरंत कुछ ऐड कर दो, ठीक है, जो आप भूल गए हो, ठीक है, ये जस्ट एक मिनट बाद रिव्यू करो आप तुरंत। अब यहाँ पर रोल आता है जो मैं अपने वीडियो में रेगुलरली बोलती रहती हूँ कि सेम दिन कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है, जो चीज़ आपको जिस दिन पढ़ाई हो उस दिन कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है, यहाँ पर नोट्स का भी रोल आता है। देखो अगर आप सेम दिन पढ़ोगे आपके दिमाग में फ्रेश रहता है, ठीक है, टीचर आपने नोट्स में कुछ भी मिस भी कर दिया, आपको लगा कि आप कहीं गलती हुई नोट्स में लिखने में कहीं गलती कर दी या फिर कुछ हड़बड़ी में कुछ गलती हो गया, तो आप अगर सेम दिन पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ दिमाग में फ्रेश रहेगी, आप जब नोट्स को पढ़ोगे तो आप सब उसे करेक्ट कर दोगे, ठीक है। एंड जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्पेशली, तो आप सबसे पहले तो अपने नोट्स लेके बैठोगे ना, सबसे पहले नोट्स को पढ़ोगे, एक ओवरव्यू सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट, तब आप बुक पे जाओगे तो आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू एंड इफ यू थिंक इट इज़ यूजफुल डू हिट द लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू मेकिंग यूजफुल वीडियोज़ फॉर यू ऑल एंड इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप चैनल पर नए हो देन डू चेक आउट द अदर वीडियोज एंड इफ यू थिंक दे आर हेल्पफुल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर ऑल द एफर्ट दैट हैव बीन पुट टू मेक द वीडियो।